दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। गौरी का रूप देखकर सासू माने की बहुओं की पूजा। विदर्भ के वाशिम शहर में ड्रीमलैंड सिटी में रहने वाली सासू माँ सिंधु ताई सोनू ने इन्होंने अपनी दोनों बहुओं की गौरी पूजा के दिन महालक्ष्मी का रूप देकर उन्हें उसी तरह बिठा कर पूजा की। पूरे महाराष्ट्र में गौराई की पूजा बड़ी धूमधाम से परंपरागत तरीके से मनाई जा रही थी। वहीं वाशिम शहर के सिंधुताई सोनू ने इन्होंने समाज के सामने एक बड़ा आदर्श खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने दो बहुओं को गौराई के रूप में 3 दिन पूजा कर यह उत्सव मनाया। जीवित चलने बोलने वाली महालक्ष्मी की इस तरह पूजा करना यह एक प्रकार का परिवर्तन कहलाया जा रहा है। तो सिंधुताई की बहू कह रही है कि घर घर में सास और बहू के झगड़े हम हमेशा देखते हैं, लेकिन हमारी सासू माँ हम दोनों बहुओं को गौराई के मंडप में यानी पूजा घर में बिठा कर गौराई के आगमन से विसर्जन तक हमारी पूजा की, इसलिए हमें उनका गर्व है। इस वजह से दोनों बहू खुद को बड़ी भाग्यवान मान रही है। सोशल मीडिया से भी इस गौराई पूजा की बड़ी तारीफ और समाज परिवर्तन की बातें हो रही है। यह गौरी पूजा का महोत्सव देखने के लिए सिंधुताई सोनू ने इनके घर लोगों की भीड़ हुई थी। इस बारे में सिंधुताई ने कहा कि सास और बहुए इनमें प्यार बना रहे यह इस पूजा का उद्देश्य है। नमस्कार, आमच्या घरी हा आगळा वेगळा एक महालक्ष्मीचा कार्यक्रम झालेला आहे। खरोखर आनंद होतोय। आज आपण बघितलं की सासू सासरे जर म्हटलं कोणत्याही सासरी तर आपला अहंकार आपला जो मोठेपणा आहे तो सोडायला सहसा तयार नसतात, परंतु आमच्याकडे आमच्या सासूबाईंनी लहान होऊन आमची पूजा केलेली आहे, आमचे दर्शन घेतलेले आहे, आम्हाला देवाचं स्थान दिलेलं आहे आणि आमच्यामध्ये महालक्ष्मीचं रूप बघितलेलं आहे आणि खरोखर धन्य वाटतं। आणि कोणी झालं तरी हे चार भिंतीच्या कर्मकांडाच्या पलीकडे कोणी करण्याची सहसा समाजात इच्छा होत नाही किंवा तेवढा धैर्य कोणी करत नाही, परंतु आमच्या घरी ते धैर्य झालेलं आहे। निरंकारी मिशनच्या स्वरूपात आम्हाला तसे शिकवण मिळालेली आहे आणि खरोखर खूप चांगलं वाटतंय। धन्यवाद। मानव पूजा हीच ईश्वर पूजा। आपण मंदिरामध्ये जातो आणि मूर्तीपूजा करतो आणि हा मानव हाच खरा धर्म म्हणून मी माझ्या सुनेमध्ये महालक्ष्मीचं रूप पाहते आणि यांची सेवा मी वर्षातून एक वेळा सत्संगत हे करत असते। प्रत्येक बहिणजीने जर आपापल्या सुनांची जर पूजा केली तर खरोखर घरामध्ये एकोपा एकत्व हे निर्माण होऊ शकते। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।